अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्यू बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सी एस 304 का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपके साथ चैनल बनाए होंगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी नई वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक किया कीजिए और वीडियो को पूरी एंड तक के देखा कीजिएगा, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 में सबसे पहले आपको बता रहा है एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस इनहेरिटेंस मेजर बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस रीयूज, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पढ़ना है आज, ठीक है। सबसे पहले इसका टॉपिक है आपका है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इसमें हमें बताया गया कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैव लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं सॉल्व करने की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा ज़रूरी होती है, दो प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा फायदा होती है, हम उसी चीज़ को देखते हैं, हमारी चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, वो दो चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसको देखते हैं आगे। एग्जाम्पल दी गई है आपके स्कूल लाइफ, ठीक है। आप स्कूल लाइफ में जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के से हमें कोई गर्व नहीं होता, ठीक है। स्कूल वालों को उससे कोई गर्व नहीं होता, उसको उसके वालों को गर्व नहीं होता कि भाई क्या, ठीक है, हमारे स्कूल में जो है इसके टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स रोज़ आ रहे हैं, फायर एक्सपायर। तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो स्कूल सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता, यानी कि टीचर स्टूडेंट्स का बिहेवियर क्या है, मतलब कि घर के इशूज़ क्या है, तो वो अफेक्ट नहीं करता स्कूल सिस्टम पर, ठीक है, इसके परस्पेक्टिव ऑफ स्कूल के, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे इशूज हमें सॉल्व करना था, उसमें से वो सिलेक्ट करें जो हमारे बेनिफिट के लिए, जो हमारे फ़ायदा मानो, जैसे कि एग्जाम्पल स्कूल्स के, स्कूल के लिए बेनिफिट्स क्या है, भाई टीचर स्कूल के बच्चे हैं, उससे कोई इशू नहीं, घर के इशूज़ क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि वो हमारे स्कूल का अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से स्कूल को दे सकते हैं, यानी परस्पेक्टिव ऑफ स्कूल, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कैप्चर ओनली दोज डिटेल अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रिलेवेंट टू करंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि करंट एरिया जो आपका चल रहा है उसको देखते हुए जो जरूरी चीज़ है वो आप कैप्चर कर लो, यानी वो आप उस पर आप काम करो, ठीक है। तो वो आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की आपको एग्जाम्पल दी गई है कुछ, वो ये कह रहे हैं कि सपोज वी वांट टू इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अली इज पी एच डी स्टूडेंट एंड टीच पी एस स्टूडेंट, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दी गई है अली जो पी एच डी स्टूडेंट है और टीच करते हैं बी एस स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो हेयर ऑब्जेक्ट अली, अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट अली जो है टू पर्सपेक्टिव, इसके टू है पर्सपेक्टिव, फन क्या है कि वो स्टूडेंट है, या तो वो स्टूडेंट है एंड सेकंड इज टीचर है, यानी अगर हम देखा जाए तो दो पर्सपेक्टिव है, तो स्टूडेंट का है और एक टीचर्स का। अब वो कह रहे हैं वी कैन सम ऑफ अली एट्रीब्यूट्स एज फॉलो, अब अली के एट्रीब्यूट्स का उन्हें फॉलो करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका स्टूडेंट रोल नंबर क्या है, उसका एयर ऑफ स्टडी क्या है, सी जी पी ए क्या है, एम्प्लॉय आई डी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सैलरी क्या है। तो ये आपको बताया गया कि स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव और टीचर का पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है, ठीक है। इसका नेम हो सकता है, एज हुआ, सो ऑन, ठीक है, ये बताया गया। अब देखें इसके अलावा भी तो है, वो सिगरेट पीता है, वो शादीशुदा है नहीं, या उसका हेयर कलर कैसा है, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हम नहीं देखते, क्योंकि नहीं देखते कि हमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पर रहना होता है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, उसके नेम, एज, रोल नंबर, आई डी कार्ड नंबर, ठीक है। अगर एक टीचर है वो काम करता है, उसकी कौन सी सैलरी हो सकती है, उसकी डेस्टिनेशन हो सकती है, ठीक है, तरीके की चीज़ें होती है। सिंपल्स में ये बताया गया, आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि कुछ चीज़ें जो है आपके स्टूडेंट से मिलती हैं, कुछ चीज़ें जो है आपके टीचर के पर्सपेक्टिव से मिलती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं अगर हम अली के एग्जांपल लें एज ए स्टडी के तौर पर, तो क्या करता है वो स्टडी में क्या आ सकता है, वो डेवलप एग्जाम बढ़ता है, एग्जाम देता है, टेक एग्जाम, प्ले, ठीक है, प्ले स्पोर्ट्स, ईट्स, ठीक है, डिलीवर लेक्चर, वॉल, ठीक है। तो ये आपको बताया गया। आगे बताया गया कि अगर हम डिवाइडेड करने के अली स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और एज वेल एज टीचर पर्सपेक्टिव, और स्टूडेंट और टीचर में अगर डिफरेंट बातें करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के तौर पर, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के तौर पर, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसके स्टूडेंट्स के आगे उसका नाम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, उसका एयर ऑफ स्टडी होगा, उसका सी जी पी ए होगा, ठीक है। ये चंद चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन क्या उसका एम्प्लॉय आई डी, उसका डेस्टिनेशन, उसका सैलरी, उसका ये स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा, ये कैटेगरी होंगी, बाकी ये कैटेगरी नहीं होंगी, ठीक है। अब आगे बिहेवियर क्या हो सकता है उसका, अब स्टूडेंट के दायरे में रहते हुए उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर हो सकता है वो पढ़ता है, स्टडी है, सब एग्जाम दे सकता है, ठीक है, प्ले स्पोर्ट खेल सकता है, डिलीवर लेक्चर डिलीवर नहीं करता, वो टीचर से काम होता है, डिप्लॉय एग्जाम देना, ठीक है, खाना पीना ये इस चीज़ कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया इसका अलग से एटीट्यूड्स और बिहेवियर, ठीक है। टीचर के पर्सपेक्टिव से क्या होता है, इसके एटीट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब टीचर तो क्या उसका नाम होगा, ठीक है, उसकी आईडी होगी, उसकी डेस्टिनेशन होगी, उसकी सैलरी होगी, ठीक है, उसकी एज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैंने ली नहीं है। और वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, सी जी पी ए, तो ये टीचर्स की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। अब इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स तो हो गया, बिहेवियर में क्या होगा,
वेवर में टीचर स्टडी तो वैसे तो करता है, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि स्टडी के कैटेगरी में ही है, स्टूडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। गिवन एग्जाम क्या होता है, पेपर देता है स्टूडेंट देता है, प्ले स्पोर्ट्स क्या स्टूडेंट करता है, टीचर नहीं खेलता, ठीक है। डिलीवर लेक्चर किसका काम होता है, टीचर का काम होता है, ठीक है। डेवलप एग्जाम, एग्जाम बनाना, एग्जाम लेना किसका काम होता है, टीचर का काम होता है। खाना पीना ये अभी फिलहाल कैट के टीचर से कैटेगरी में नहीं आती, तो ये सिंपल उन्होंने बताया गया, ठीक है। बिहेवियर ये देखिए, कैट कैन बी व्यू विद डिफरेंट परस्पेक्टिव, कैट उसको डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखा जा सकता है, कैसे एक ऑर्डिनरी परस्पेक्टिव से भी देखा जा सकता है उसको, ठीक है। अब पैट एक एनिमल है विद उसके चार लेग्स एक टेल है, जैसे कि आम जबान में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और एक सर्जेंस परस्पेक्टिव के तौर पर उसे देखा जा सकता है, कैसे अब बीन विस स्केलेटन है, उसका एक स्केलेटन एक ढांचा है, उसका एक हार्ट है, ठीक है, किडनी है, स्टमच है, ठीक है। सही से बताया गया उन्होंने, ऑलरेडी में और चीज़ें हैं, टू आर्ट्स हैं, शार्ट टीथ हैं उसके, ठीक है। और कार का परस्पेक्टिव लिया गया उन्होंने, अगर कार की बात की जाए तो देखिए ड्राइवर व्यूज और इंजीनियर व्यूज में क्या होता है, ड्राइवर व्यूज में क्या होता है, ठीक है भाई, एक कार का कलर्स क्या है, ठीक है, इसका मॉडल कौन सा है, ठीक है, सो ऑन सी की चीज़ें होती हैं। जबकि इंजन व्यू में क्या होता है भाई, कार के अंदर जो इंजन है वो कौन सा मॉडल का है, इसके चार्जर लगे हुए हैं वो किस कैटेगरी के लगे हुए हैं, इसके अंदर जो व्हील लगा है वो कौन सा उसका बना हुआ है, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, इसका कितनी एवरेज स्पीड है, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग व्यू की होती है सारी व्यूज, ठीक है। इसके अंदर की चीज़ें इंजीनियरिंग व्यू होती है, ऊपर की क्या होती है, ये हमारा होता है, हम लोग देखते हैं, ड्राइवर व्यू होता है, ठीक है, कि बैठने में कैसी है, सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ होती है, अब वो बता रहे हैं एक्सपेक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, उसके एडवांटेज ये होते हैं, एज फॉलोइंग मेजर एडवांटेज होते हैं उसके, ठीक है। वो एक सबसे फायदा ये होता है कि हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। हमें पूरी पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें से लेते हैं, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसानी होती है, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया। अब सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है कि वो ये कह रहा है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करें, फोकसिंग ऑन सिंगल परस्पेक्टिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एक ही परस्पेक्टिव पर फोकस करें तो हमारे लिए फ्रीडम होती है, जिसके अंदर आसानी होती है चेंज करने में, गलती हो सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया इसके अंदर, यानी अगर बाद में कोई मसला आ रहा है तो हमारे लिए आसानी होती है इसको चेंज करने में, ठीक है। अब आगे बताया गया क्लासेस क्या होती है। क्लास वो कह रहा है कि हम ऊप में जो है, वी क्रिएट अ जनरल स्केच फॉर ईच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन वी क्रिएट डिफरेंट इंस्टेंस यूजिंग द स्केच, वी कॉल द स्केच ऑफ प्रोटोटाइप और मैप स्केच क्लास, ठीक है। वही कह रहे हैं कि अगर छः स्टूडेंट होंगे, सपोज करें छः स्टूडेंट, अब उनके छः स्टूडेंट का नाम भी होगा, उनकी आईडी भी होगी, ठीक है, उसके और चीज़ें भी होंगी, अब हम उसको अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे तो नहीं करेंगे ना, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें क्लास बनाएंगे, यानी स्टूडेंट्स अडेस की बात है, उनकी आईडीज भी होगी, तो एक आईडी की क्लास बना देंगे उसका। तो ये सब मैंने बताया, क्लासेस बना देते हैं हम, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, कंसीडर द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, ठीक है। अब अली स्टडीज मैथमेटिक्स, अनम स्टडीज फिजिक्स और सोयल स्टडीज केमिस्ट्री, ठीक है। वो कह रहे हैं, इच वन इज अ स्टूडेंट, तीनों में कॉमन का तीनों स्टूडेंट है, ठीक है। तो हमने किया क्या, वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। अब क्लास टू की एग्जाम्पल दी गई है, कंसीडर द गिवन बिलो, ठीक है। एस एन टीच मैथमेटिक्स, आमिर टीच कंप्यूटर साइंस, आतिफ टीच फिजिक्स, तो कह रहे हैं इच वन इज अ टीचर, क्लास के टीचर है, सो वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ द टीचर क्लास, ये ऑब्जेक्ट जो है वो टीचर्स के हैं, यानी टीचर्स से क्लास है, इंस्टेंस है, ठीक है। अब ये सिंपल बता दिया, अब वो कह रहे हैं कि क्लास रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी, ठीक है। वो ये कह रहे हैं क्लास करना क्या होगा हमारा, क्लास करना उसके एटीट्यूड्स होंगे, ऑपरेशन होंगे, ठीक है। ये हो गया हमें नॉर्मल फॉर्म, और क्लास नेम सिर्फ फॉर्म, सिर्फ नाम ही नहीं होगा, उसके एटीट्यूड्स भी होंगे, ऑपरेशन होंगे, ठीक है। अब आ गया क्लास एग्जाम्पल सर्कल, अब सर्कल है, सर्कल क्या होगा, उसके अंदर रेडियस होता है, उसके अंदर डॉ कंप्यूटर एरिया, उसके अंदर बहुत सारे एरिया में सकते, सिर्फ सर्कल सपोज फॉर्म होगी, ये सिर्फ सर्पल नहीं होगा, सिर्फ उसके बाद की जाए इसके अंदर कैटेगरीज में तो क्या होगा, रेडियस भी होगा, ड्रॉ कंप्यूटर भी, इससे बताया गया नॉर्मल व्यू में, ठीक है। तो ये सब प्रश्न बताया गया क्लास रिप्रेजेंटेशन में, हमें भी हम इस जिसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कैटेगरी में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक बंदा है, पर्सन है, उसका ना क्या होगा, उसका नियम होगा, एज होगा, जेंडर होगा, वो अब वो करता क्या है, उसका ईट बॉल के नॉर्मल व्यू हो गया, ठीक है। सरप्राइज फॉर्म में होगा पर्सन क्या पता नहीं, ठीक है, नियम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, उसके एटीट्यूड हो गया, उसके बिहेवियर क्या, ईट है, खाना है, उसके बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, हम देख के आ चुके हैं, आपसे मैं भी बताया गया, देख लेना क्या होता है। कह रहे हैं इनहेरिटेंस, एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड इनहेरिट्स इस कैरेक्टर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। अगर चाइल्ड है, ठीक है, उसका इनहेरिटेंस उसके पेरेंट्स से मिलता है, यानी कि उसकी ऐसा उसकी झलक वगैरह आती है, ठीक है। बिसाइड इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक अ चाइल्ड में है फिर ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, झलक तो उसकी आती है, लेकिन क्या उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इनहेरिटेंस इस क्लासेस की बात में बात करें, उसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं इफ अ क्लास बी इनहेरिटेंस फ्रॉम क्लास ए, अगर क्लास बी जो है क्लास ए से मिलती है, देन इट कंटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्लास, ठीक है। अगर क्लास बी या क्लास ए से मिलती है, इसका मतलब क्या है, वो क्लास ए के सारे कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस करता है, ठीक है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल दिया, पेरेंट्स क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, पेरेंट्स क्लास जो होती है वो क्लास के नाम बेस क्लास, एंड द चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास, और चाइल्ड क्लास क्या होती है, हमारे ड्राइव क्लास होती है, ठीक है। वो ये कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि ड्राइव क्लास जो होती है, यानी कि चाइल्ड क्लास जो होती है, मे हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास क्या होगी, ड्राइव क्लास, और पेरेंट्स क्लास क्या होगी, हमारे पास बेस क्लास, ठीक है। तो ये हो, अब इसमें कुछ टेबल बताया गया, अगर पर्सन है तो वो क्या हो सकता है, वो एक पर्सन एक आदमी है तो क्या होता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो टीचर्स भी हो सकता है,
है, वो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी कैटेगरी के, जरूरी नहीं है स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर हो, बस चपरासी भी हो सकता है, ठीक है, गार्ड भी हो सकता है, पर्सन है, आदमी है, ठीक है। अब शेप की बात की, शेप में क्या होता है, अब शेप्स है, एक लाइन है, सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है, ओवल है, मुख्तलिफ शेप्स हैं, शेप शेप हो सकती है। इनहेरिटेंस इज अ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशन, एक रिलेशनशिप बनता है, इनहेरिटेंस मिलती है, एक रिलेशन होता है उसके अंदर, जैसे कि पर्सन है उसके रिलेशनशिप है स्टूडेंट से, टीचर से, डॉक्टर से, आपको ये बताया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ईच ड्राइव क्लास इज अ काइंड ऑफ बेस क्लास, ठीक है। अब आप ये देखें, अगर पर्सन है, अब पर्सन हम देख के आ चुके हैं, आप पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है। अब पर्सन में क्या हो सकता है, उसके नेम हो सकता है, एज हो सकता है, जेंडर, ईट, और उसके बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, ईट बॉल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट क्या हो सकता है, उसका प्रोग्राम होगा, स्टडी ईयर होगा, ठीक है, स्टडी हाइल्ड एग्जाम होगा। टीचर्स है तो उसका डेस्टिनेशन सैलरी होगी, ठीक है, उसके डॉक्टर्स है तो डेस्टिनेशन सैलरी होगी, वो क्या करते हैं, चेकअप करते हैं, उसके एक्टिविटीज बिहेवियर ये है, ठीक है, ये हो गया। अब हेयर स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन, ठीक है। तो ये हमें प्लूस हो गया कि स्टूडेंट भी पर्सन है, टीचर भी पर्सन, डॉक्टर भी पर्सन है। अब शेप में, शेप में क्या भाई, शेप में क्या कलर हो सकता है उसका, ठीक है, अंदर आए तो ड्रॉ कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, उसका कलर भी, ठीक है। अब शेप्स के अंदर आके सर्कल होता है, सर्कल के अंदर क्या होता है, रेडियस भी होता है, ड्रॉ कंप्यूटर एरिया भी होता है, इसके अंदर लाइन क्या होता है, लाइन के अंदर भी लेंथ होती है, ड्रॉ होता है, ट्राइंगल के अंदर आते इसके अंदर एंगल होता है, ड्रॉ कंप्यूटर एरिया होता है, ठीक है। हेयर सर्कल इज अ शेप, लाइन इज अ शेप, एंड ट्राइंगल इज अ शेप, ठीक है, ये बताया गया। इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या होते, कह रहे हैं एक होता है रीयूज, दूसरा होता है लेस रिडेंसी, और तीसरा होता है इनक्रीज मैनिपुलेबिलिटी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं रीयूज, रीयूज में क्या होता है, अगर कोई मसला आ जाता है हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं इस क्लास को, ठीक है। आप आगे कह रहे हैं लेस रिडेंसी, इसमें क्या होता है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर किसी क्लास में एरर होता है तो हम उसमें जाकर पर्टिकुलर जाके उसको चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, जस्ट चेंज इन वन क्लास ऑफ चेंज लो, या तो लो होगा या हर को जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, जाकर क्या होगा, लेस रिडेंसी होगी, बार बार जाके हमें देखने नहीं पड़ेगा कहाँ है, हमें पता होगा एक जगह जहाँ पर नहीं, क्लास में नहीं है, वहाँ जाके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इंक्रीज मैनिपुलेटी क्या होती है, ठीक है, कि हमारे पास अगर एरर ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाए हमारे पास एरर का, तो उसको सॉल्व करने में वहाँ पर आसानी होती है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपका रीयूज, रीयूज है, यू रीयूज ऑफ इनहेरिटेंस, ये उसका क्या है, मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज, ठीक है। वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। वही कह रहे हैं कि हाँ, मैंने क्लास बनी होती है, क्लास में कोई गलती हो या नई क्लास डालनी हो तो हम उसके आगे पीछे डाल सकते हैं, या क्लास के अंदर कुछ एडिट करना हो हम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं बार बार, ये बताया गया रीयूज का बड़ा मेन पॉइंट इसका, ठीक है। हम देख सकते हैं स्लैक एंड एग्जिस्टिंग क्लास, पहले से क्लास जो बनी हुई है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर टू है क्रिएट अ न्यू क्लास, हम इसके अंदर नई क्लास बना सकते हैं, इनहेरिटेंस फ्रॉम द सिलेक्टेड सेलेक्ट, ठीक है, ऐड एंड डिलीट और मूव मॉडिफाई द इनहेरिटेंस फंक्शन, ठीक है, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल भी देखिए शेप है तो इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, लाइन है, कलर है, ट्रायंगल है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो वो कह रहा है पर्सन है, उसका नेम है, एज है, एज जेंडर है, ठीक है, स्टूडेंट है, टीचर्स है, डेस्टिनेशन है, सैलरी है, और प्रोग्राम स्टडी। वो कह रहा है कि अगर डॉक्टर को कंपेयर करो टीचर्स है, पर्सन से नहीं टीचर से, तो क्या होगा, देखें हालांकि टीचर की डेस्टिनेशन भी होती है, डॉक्टर की भी होती है, टीचर की सैलरी भी होती है, स्टूडेंट सैलरी होती है, लेकिन इनके बिहेवियर क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर से क्या होते हैं। टीचर का नाम काम होता है टीच करना, एग्जाम देना, डॉक्टर का काम होता है चेकअप करना, प्रिस्क्राइब देना, मशवरा देना, तो क्या बोल रहे, वो कह रहे हैं डॉक्टर टीचर जो है वो सेम होते हैं, नहीं, तो ये हो गया हमारा गलत कि डॉक्टर भी एक पर्सन है, तो ये बताया गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको सही कह रहे हैं कि डॉक्टर भी एक पर्सन होता है, ठीक है, तो उसने बता दिया कि उसके अंदर डेस्टिनेशन होती है, पर्सन में शामिल होती है, ठीक है, वो नेम होता है, एज होता है, जेंडर है, खाना पीना चलना, तो ये सब कैटेगरी में होती है, स्टूडेंट में भी होती है, टीचर्स में भी होती है, डॉक्टर में होती है, पर्सन में सारी कैटेगरी बताई जाती है, ठीक है। तो सिंपल आपको लेक्चर में थी मुझे बताया गया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर में अंदर से आप लोग पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, अपना बात ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।